दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। जैसा कि आपको पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कल यानी कि 30 जुलाई 2020 को तैयार की गई, फ्रेम की गई और पारित किया गया है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी इसी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दो बार बनी। पहली बार कब बनी? 1968 में, कब? जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। दोबारा कब बनी? 1986 में, जब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। और तीसरी बार ये पॉलिसी कब बनी है? अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अहम बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। यहाँ इस पॉलिसी में 3 से 6 साल के बच्चों को मेन फोकस में रखा गया है कि 3 से 6 साल के बीच जो बच्चों को फोकस इसलिए किया गया है कि उनको एजुकेशन बेसिकली दिया जाए, क्योंकि उस टाइम बचपने में जो चीज़ माइंड पे इम्प्रेशन आएगी वो लाइफ टाइम तक सेटल्ड हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पहले की जो पॉलिसी थी वहाँ 6 से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों पे अहम फोकस किया जा रहा था। एक पहला बदलाव ये है कि 3 से 6 साल के बीच, अभी वाली पॉलिसी बता रही है फोकस करने की बात है, फोकस करना है उसमें। पहले वाली पॉलिसी में 6 से 12 साल के बच्चों पर खास ध्यान दिया जाता है, ये पहला बदलाव है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा बदलाव ये है कि पहले की जो पॉलिसी थी 10+2+3 पैटर्न है ना, मैंने आपको जैसा कहा 10+2+3 के पैटर्न पर सिस्टम था। मतलब जब 10th पास कर लेते थे, हम बोर्ड एग्जाम्स पास कर लेते थे, उसके बाद हम ये सोचते थे कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, उस स्ट्रीम में जाते थे। उस स्ट्रीम में जैसे साइंस हो सकती थी, नंबर दो आर्ट्स हो सकती थी और नंबर तीन कॉमर्स। ये तीन अलग अलग स्ट्रीम का सिलेक्शन करते थे। अगर हम साइंस में जाते थे देन वी हैव द ऑप्शन जस्ट टू गो स्टिल इन कॉमर्स ग्रुप इवन इन टू आर्ट्स ग्रुप। मतलब ISC करने के बाद आप BA भी कर सकते थे, BSc भी कर सकते थे और BCom भी, ये आपके पास पावर था। इसी तरीके से आप चेंज करते थे कॉमर्स स्ट्रीम, तो वहाँ से आप BCom भी कर सकते थे उसके बाद और BA भी। और जब तीसरा आपने IA किया तो आपके पास ना BCom का ऑप्शन होता था ना BSc का ऑप्शन, यू ओनली हैव वन ऑफ द ऑप्शन इज BA सिंपली। तो इस तरीके से हम कर रहे थे, मतलब ऑप्शन हो जाता था। लेकिन एक और चीज़ था कि अगर ISC कर रहे हैं तो ISC के जो सब्जेक्ट हैं वही लेंगे, उसमें हिस्ट्री नहीं आ सकता है यानी ह्यूमैनिटीज नहीं आएगी, कॉमर्स नहीं आएगी, ऐसे सब्जेक्ट्स का उसके अंदर कोई जगह नहीं। और जब हम ICom करते थे तो वहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब छट जाते थे, इनकी जगह नहीं, और ना आर्ट्स के कोई पेपर उसमें आते थे। और जब IA करते थे तो वहाँ भी कोई साइंस या कोई कॉमर्स का पेपर वहाँ नहीं आता था, ठीक है। एक आध पेपर ऐसे थे पहले भी, जैसे आप अगर IA कर रहे हैं तो IA मैथ से कर सकते थे, मैथमेटिक्स आप कर सकते थे, मैथमेटिक्स को आर्ट्स में भी रखा गया था। इसी तरीके से अगर आप आर्ट्स में और कॉमर्स में देखें तो इकोनॉमिक्स कॉमन पेपर हो जाता था जिसका इस्तेमाल मैंने, लेकिन प्योरली वो बाउंडेड होता था कि ये पेपर ही लेना है, आप उससे स्ट्रीम से चेंज होकर दूसरे स्ट्रीम से तो पेपर नहीं ले सकते थे, जो कि फिलहाल अभी जो पॉलिसी आ रही है इसमें किया जा सकता है। तो इसमें मल्टी एंट्री सिस्टम रखा गया है, मल्टी एग्जिट सिस्टम भी रखा गया है, उसकी वजह से आप मल्टी सब्जेक्ट्स एक साथ में दो दो कोर्स भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है, आगे बात करेंगे इस पर। अब तीसरा जो अहम चीज़ है कि अभी वाले में सिस्टम क्या कर देगा, पहले का तो 10+2+3 पैटर्न था, अभी 5+3+3+4 के पैटर्न पर इसको रखा गया है। मतलब कि पहला जो सीरी है वो 5 पे आता है, और ये 5 का मतलब क्या है, जिसमें 3 ईयर्स आपको फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिसमें बच्चों के बेस पे पूरा फोकस किया जाएगा। उसके बाद का जो 2 साल है उसमें Class 1 and Class 2। बड़ी अहम बात यहाँ पर ये भी है कि फाउंडेशन कोर्स पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, साथ साथ क्या रहेगा कि बच्चे अपनी मदर टंग या अपनी क्षेत्रीय भाषा जो है उनकी, उसके अंदर जाकर वो अपनी स्टडी कर सकते हैं। पहले क्या था, इंग्लिश वॉज कंपल्सरी अप टू Class 5 माना जाता था, ऐसा जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो हालत क्या है वो आपको खुद ही पता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसे हालत में वो इंग्लिश के बिना नहीं जा सकते थे, इंग्लिश मस्ट बी अ सब्जेक्ट दैट मस्ट हैव टू बी चूज देयर।
एवरी स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 1 to 5, यू नो, बेसिकली उसी पे फोकस किया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश को भी रखते हुए आप अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स लोकल लैंग्वेज जो आपकी है। लेकिन इसका एक ये अच्छा एस्पेक्टिव है, प्रस्पेक्टिव अच्छा है ये, चलो एक बच्चा जो अपनी लैंग्वेज के सहारे आगे बढ़ना चाहेगा, दे हैव ऑप्शन, तो वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली, नो डाउट एट ऑल। लेकिन एक डिमेरिट्स भी है। आप याद कीजिए 1947 का जब आंदोलन चल रहा, जब आज़ादी मिली भारत को, गांधी जी ने बीपी सिकंदर से एक चीज़ कही थी, एक सेंटेंस कहा था, भारतीयों के लिए कहा था कि दुनिया वालों से कह दो गांधी अंग्रेज़ी नहीं जानता। हालांकि ये बात गलत है, गांधी जी अंग्रेज़ी अच्छी जानते थे, उस टाइम के वो बैरिस्टर थे जबकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने इस तरह की चीज़ कही। रिजल्ट क्या रहा, लोगों ने अंग्रेज़ी से नफरत करना शुरू किया, जो चलता रहा। जब स्वामी विवेकानंद आए, राजा राम मोहन राय आए, ईश्वरचंद विद्यासागर आए और सर सैयद अहमद खान वगैरह आए, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट को तेज़ किया और अंग्रेज़ी पे फोकस दोबारा कराया, नहीं तो आज हम लोग बहुत पीछे होते। हम जानते हैं कि आज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड नोन लैंग्वेज, स्कोप है इसका, हर जगह लोग इंग्लिश के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। इंटरव्यूज़ हो तो आपको इंग्लिश जानना होगा। अपने बिहार के अंदर क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे जिनका मैथमेटिक्स और साइंस बहुत स्ट्रांग होता है, आमतौर पे हर चीज़ वो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जाकर वो फंस जाते हैं। और रिजल्ट क्या है, यहाँ कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स स्पोकन इंग्लिश के नाम पे उनको बलि का बकरा बनाते हैं, ठगते भी हैं, उल्लू भी बनाते हैं, उल्लू सीधा भी करते हैं, कई जगह पढ़ाते भी हैं। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग ऐसे हैं। कुल मिला करके डिमेरिट की बात यह है कि अगर अंग्रेज़ी एक बच्चे को नहीं आती है तो वो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर एक सोच रखता है कि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, और उसके गार्जियन भी यही सोच करीब करीब रखते हैं। जब हम और आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या हमारे रिलेटिव्स हमारे आते हैं तो हम उनसे प्रेफर करते हैं सुनना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ऐसी चीज़ों को। और जब कोई बच्चा ऐसा बोलता है तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा बच्चा माना जाता है, हमारी ओपिनियन अच्छी मानी जाती है उसके लिए, और उसको हम अपनी ओपिनियन में अच्छा मान लेते हैं। तो ये एक कल्चर में इन हो चुका है, इससे हम आउट नहीं हो सकते आज के डेट में। अब ये कहना है कि अगर 1 to 5 तक उसको इंग्लिश से दूर रखा जाए, इंग्लिश के बिना वो पढ़े, तो करीब वही हालत हो जाएगी जो मैट्रिक के अंदर। आज आपको इंग्लिश में अपेयर होना ज़रूरी है, पास होना नहीं। रिजल्ट क्या है कि बच्चे अच्छा कर लेते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में अच्छा नहीं करते, उसका निगेटिव भी है। अगर आप देखें कि चलो टॉप भी कर जाइए, लेकिन अगर आप एयरफोर्स की कोई जॉब के लिए फॉर्म फिल करते हो, यू मस्ट हैव टू पास आउट योर इंग्लिश लैंग्वेज विद 50% मार्क्स एटलीस्ट। बट इफ़ यू डोंट हैव तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ये निगेटिव तो बच्चे को भुगतना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ के लिए हो, ग्रुप डिस्कशन के लिए हो, यहाँ तक के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हो, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना हो, तो हालांकि कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन अनदर थिंग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द अदर थिंग, बट If both are combined altogether, तो एक बच्चा बहुत अच्छा माना जाता है, एक लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर आघात होगा, ये अच्छा नहीं होगा। वैसे भी कहा जा रहा 1000, कम से कम 1000 नहीं तो 200-250 यूनिवर्सिटीज़ बाहर से आएंगी और यहाँ इंटर्नशिप के लिए बच्चों को 6th क्लास के बाद से ऑप्शन मिलेगा, 12th के बाद ही मिलता है आज, तो वो जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे उनकी क्वालिटी एजुकेशन को चेकआउट करने के लिए बाहर से जो स्कॉलर्स होंगे उनको फॉलोअप बच्चे करेंगे। आप बताइए, आप सोच के बताइए कि जिस बच्चे को 1 to 5 तक में इंग्लिश से दूर रखा गया हो, अचानक से 6th क्लास में जा करके बाहर से कोई फॉरेनर आएगा, उसको कोई चीज़ गाइडलाइन देगा, वो तो इंग्लिश में ही देगा, उनकी बुक्स, उनके नोट्स, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंग्लिश में होंगी। देन हाउ इट इज़ जस्ट पॉसिबल टू हैव ऑल दिस थिंग दैट द स्टूडेंट विल हैव टू गेन? नो, इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। कर भी लेंगे कुछ, नहीं भी करेंगे, बट आज जो एक प्रेशर होता है थोड़ा सा कि नहीं पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ये उनके माइंड से 1 to 5 के बच्चों के माइंड से हट जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों के माइंड से पास करने के टाइम इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पे नहीं आती है तो वो इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं, अच्छा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इंटर में जाने के बाद वो स्पोकन कोर्स के लिए जाते हैं, इंग्लिश कोर्सेज करने के लिए चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बेस लेस उनको कर देंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं उनको प्रेशर देने से, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज है उससे दूर कट जाएंगे, ये एक नेगेटिविटी भी बनेगी उसकी। और दूसरी तरफ एक
एक ऑब्जेक्टिविटी ये भी बन सकती है, कुछ लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर के रीजनल लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँ कि आज की डेट में भी फॉर एग्ज़ाम्पल मदरसा है और मदरसे से कुछ बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मदवा बोर्ड भी है वहाँ से हिंदी बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे भी जैसे मदवा से भी लोग ग्रेजुएट करते हैं, जैसे कि मदरसे से लोग ग्रेजुएट करके मौलवी बनते हैं, तो उसके बाद वो बीएड के कोर्स में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए राइट तो बराबर दिया गया है, बट जिस तरीके से हमारे एलएनएमयू के बच्चे जो बीए एमए करके आए हुए, बीएससी करके आए हुए, उनको भी कहीं ना कहीं सीएटी क्वालिफाई करना है, एट द सेम पैटर्न मदरसे के बच्चों को भी मौलवी पास करने के बाद उनको भी एक इंट्रेंस क्वालिफाई करना है, और ऐसा ही मदमा बोर्ड के साथ भी है। तो उनको तो हम बराबर के वैल्यू दे ही रहे हैं ना, जैसे बी ए एम एस है, जैसे बी यू एम एस है, जैसे बी एच एम एस है, जैसे एम बी बी एस है, सबको इक्वलाइज किया गया। तो इसी तरीके से मदरसे की डिग्री हो, मदमा बोर्ड की डिग्री हो, और बाकी इधर की डिग्री हो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम पढ़ रहे, उसको भी बराबरी का दर्जा दिया गया है, उसके बिना पे यहाँ पे बंटवारा नहीं है उसमें। हाँ, अब जैसे बीएड करना है तो बीएड करने के लिए आपको सीएटी क्वालिफाई करना है, वो मदरसे लाइन से पढ़ के आया तो वो भी क्वालिफाई करे, और जो किसी और अदर लाइन से पढ़ के आया, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, वो भी क्वालिफाई करे। तो यहाँ तो बराबरी दिया जा रहा है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप किधर से भी कर लो। तो आज के डेट में भी इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है, एक लैंग्वेज है वहाँ भी ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ा फर्क मुझे नहीं दिखा जी। अब आते हैं एक नई चीज़ की तरफ, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ ये जोड़ा गया है कि सिक्स क्लास के बाद जो बच्चे हैं उनको एक ऑप्टिव सब्जेक्ट मिलेगा, जस्ट एज अ प्रैक्टिकली दे हैव टू जस्ट डन इन देयर स्कूल लेवल, एट देयर स्कूल लेवल सिक्स स्टैंडर्ड के बाद से, जैसा कि चाइना वगैरह में भी है, फिनलैंड वगैरह में कुछ बेसिकली एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं बात करूँ चाइना के अंदर 65% जो वहाँ के बच्चे हैं उनके अंदर स्किल एकदम पाई जानी है, स्कूली बच्चों की बात कर रहा हूँ, और इसी तरीके फिनलैंड वगैरह में भी है। आप अगर चाइना के अलावा, ये मैंने बात की चाइना की, जहाँ पे 65% लोग जो बच्चे हैं उनके अंदर इस तरह का आपको स्किल मिलेगा, और कोरिया के अंदर 95% है। दूसरी तरफ उनके यहाँ क्या सिस्टम है कि उनके यहाँ ये है कि स्कूल लेवल पर उनको एक घंटी एक पीरियड बाज़ाब्ते से ऐसा होता है जिसमें वो अपने मनपसंद चीज़ों का प्रैक्टिकली, जैसे कोई पंचर बनाना चाहे मैकेनिक से सीख लो, ग्रेडिंग होगा, क्रेडिबिलिटी होगी, और क्रेडिटेड होगा उसका मार्क्स, ग्रेडिट किया जाए, और कोई पेंटिंग में चाहता है, कोई किसी और चीज़ में चाहता है, दे हैव ओन ऑप्शन। तो उनको कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाएगा, और इसमें क्या होता है बच्चे अंडर स्कूल लेवल ही एक सब्जेक्ट के साथ साथ वो एक कोई ना कोई स्किल के साथ भी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे वो अर्निंग हो जाते हैं, अर्न कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते हैं एट द सेम टाइम जब वो स्टडी कर रहा है। ये एक बड़ी चीज़ उनको मिलती है। कई बार हमारे यहाँ बात हो रही है क्या, तो ये चीज़ जोड़ा गया अभी, तो ये अच्छी चीज़ है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, नो डाउट। फिनलैंड से एग्जाम मिलाने लगते हैं अपने आप। आपको बताऊं, आज से 35 years ago 34 साल बाद ये चीज़ हो रहा है, 35 साल पहले कम से कम, क्या ये पहले चीज़ क्लियर हो चुका है? फिनलैंड के अंदर VIP श्रेणी में एक ही चीज़ को रखा गया है, एक ही पोस्ट को रखा गया है, वो है टीचर। तो वहाँ का जो कल्चर है फिनलैंड का, वहाँ टीचर इज़ द बिगेस्ट पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस जॉब, रिगार्डेबल जॉब, इतना ज़्यादा रिगार्डेबल, VIP में सबसे नंबर एक उन्हीं को रखा गया। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, तो हम उस चीज़ को कैसे गेन कर सकते हैं? उन चीज़ों में बहुत फ़र्क है, ये मेंटेलिटी चेंज करने की बात है। तो उसके लिए सिलेबस को उस पैटर्न पर बनाना पड़ेगा। आपको बताओ कि कम से कम हमारे यहाँ जो लैंग्वेज का ऑप्शन था एग्ज़ाम्स देने का पहले, और कोठारी लैंग्वेज, कोठारी आयोग ने 3 लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया था, जो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, और एक आपकी रीजनल, ये था। इसके बाद फिर कपिल कपूर कमेटी आई 2015 में, उसमें लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसको कहीं ना कहीं आज ये फुलफिल कर रहा है। आज का जो ये बनाया गया है नई शिक्षा नीति, उसके अंदर इस चीज़ को शामिल किया जा रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज में आज भी इंग्लिश है, और उसको छाट करके काम नहीं कर सकते। 1947 से ही बात हो रही है, 1950 तक भी ये बात बार बार हो रही थी, और यूनेस्को ने बाजाब्ते से डॉक्टर करण सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और उस कमीशन का नाम दिया गया था एलोस कमीशन। उसके अंदर भी इस बात को रखा गया था कि आप
अपने लोकल की लैंग्वेज को बढ़ावा दें। जापानीज कर रहे हैं, चाइनीज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी अदर हर कंट्री के अंदर ऐसा है, हमारे यहाँ ही ऐसा सिर्फ नहीं है, जबकि हमारा जो कंट्री है उन सभी कंट्री से बड़ा है। जी हाँ, तो हमें तो करना ही चाहिए इस चीज़ को, लेकिन इंग्लिश को छोड़ करके नहीं, इंक्लूडिंगली इंग्लिश। तो यहाँ पे जब ऑप्शन दे दिया जाए कि आप छोड़ सकते हैं, इंग्लिश विल बी अ सब्जेक्ट बट एक्सक्लूसिवली आपकी मर्ज़ी के ऊपर होगा, लेकिन ये मर्ज़ी के ऊपर छोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप पाँचवीं क्लास पढ़ लेने के बाद बच्चे को सारी चीज़ें फॉरनर के ज़रिए से देंगे, एक अच्छा गाइडेंस देने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, तो उस वक्त बच्चों का लेवल ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका होगा, तो दे विल नॉट बी एबल जस्ट टू टेक 100% टू रिसीव 100% बाई ऑल दोज एक्सपोर्ट्स डैट केम फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज। दे हैव टू स्पोक देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज बट दे डोंट हैव द इनफ नॉलेज जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव रिप्लाई प्रॉपरली। तो ये गलत चीज़ मुझे लग रही है वहाँ से, तो इस पर ये मेरा अपना मत है कहने का। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें एक चीज़ कहा गया है, 4 साल का जो BA होगा या BSc प्रोग्राम होगा उसको लेकर के एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि अगर फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा छोड़ देता है तो फर्स्ट ईयर में छोड़ देने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। सर्टिफिकेट अच्छी चीज़ है, ये प्रिंसिपल ने तारीफ करनी चाहिए इसकी जो नहीं था। सेकेंड ईयर में अगर वो करके छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी, ये भी प्रिंसिपल है, तारीफ करनी चाहिए इसकी। थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ता है तो वो बैचलर की डिग्री ले लेगा, और फोर्थ ईयर में जाता है देन रिसर्च, ये तारीफ के लायक है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ नेगेटिविटी जुड़ गई, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आखिर अगर एक जगह तारीफ की जा रही है तो फिर इसमें कंप्लेंट क्यों, कंप्लेंट का रीज़न है, आज की डेट में इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर 800 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें 513 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की है, यानी गवर्नमेंट एडेड है, जहाँ पे फीस नाम मात्र लगता है और बच्चे हर जगह इजीली कम से कम ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो रहे हैं नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ, एंड 277 यूनिवर्सिटीज़ आर प्राइवेट। तो यहाँ पे हाई फी लगती है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कम जा रहे हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे MBA है, मैनेजमेंट कोर्सेज है, BTech है, MTech है, ऐसे भी कोर्सेज हैं, MCA है, इस सब तरह के कोर्सेज भी हैं, और बाकी ये गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं, तो वहाँ पर अच्छा खासा ऑप्शन है। 513 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो बहुत सारे लोग वहाँ चले जा रहे हैं, 277 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पैसे वाले वो जा रहे हैं, पैसे के बिना पे जा रहे हैं। तो जब अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि ये चीज़ ख़त्म होने जा रहा है एक तरह से। मैं बता रहा हूँ कैसे ख़त्म होने जा रहा है, मैं वहाँ भी आ रहा हूँ, तारीफ़ करने की जो बात थी मैंने वहाँ तारीफ़ की है, लेकिन ये आलोचना का विषय ज़रूर मुझे लग रहा है, इसलिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने 800 यूनिवर्सिटीज़ की बात की तो उनके अंदर जो कॉलेजेस हैं वो लगभग 40,000 कॉलेज हैं। अब मैं बात करूँ कि ये जो 40,000 कॉलेज हैं, 40,000 कॉलेजेस, तो इन 40,000 कॉलेजेस के अंदर करीब 15,600 कॉलेज गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट उनको ऐड करती है, तो वो कॉलेजेस चल रहे हैं और वहाँ पे सस्ती और चीप फीस के अंदर सारे तरह के कोर्सेज। तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि 40,000 कॉलेजेस हैं इन 800 यूनिवर्सिटीज़ के बीच, इसमें से 15,600 कॉलेज हमारे वो कॉलेज हैं जिनको गवर्नमेंट एडेड कर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे हैं जिनकी अच्छी खासी एजुकेशन उन कॉलेजेस के ज़रिए से हो पा रही है, कम अज़ कम वो ग्रेजुएट तो हो ही पा रहे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वो ईजीली हो रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन जबकि अगर ऐसा होगा कि 25% क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो आज की रेट में है, यानी 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स जो आज की रेट में है वो यंगस्टर हैं, तो उनके साथ जो इंडिया के जो 25 साल तक के स्टूडेंट हैं एज ग्रुप के 25 साल तक के, उनका 50% जो स्टूडेंट है वो गरीब मार्जिनल परिवारों से आता है, उनके साथ कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, मिनिमम में बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो जाने वाला है अगर ऐसा कुछ होगा तो, इसलिए ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक चीज़ जोड़ा गया है कि जो PhD कोर्स है, PhD कोर्स के लिए भी कंडीशन उसमें जोड़ा गया है कि अगर PhD कोर्स भी है तो उसमें भी कम अज़ कम शिक्षण प्रशिक्षण
यानी कि जो बीएड का कोर्स है वो उसके अंदर भी शिक्षण प्रशिक्षण विधि जोड़ी जाएगी उसमें। तो एक तो वो रिसर्च कोर्स है उसके अंदर ही जोड़ा जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि पीएचडी का जो कोर्स का ड्यूरेशन है और जो उस पर लेबर पढ़ना है वो ज़्यादा ये हो जाएगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा वो एक तरह से। तो शायद पीएचडी वाले कोर्स के लिए ये ज़रूरी नहीं था जोड़ना। तीसरी बात एक अहम और ये है कि जहाँ तक ये बात रखी गई कि बीए फर्स्ट ईयर में कोई अगर क्विट कर दे रहा है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। अगर सेकेंड ईयर में क्विट कर रहा है तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, एंड थर्ड ईयर में कर रहा है देन बैचलर की मिलेगा, और फोर्थ ईयर कंप्लीट कर रहा है देन वो रिसर्च की डिग्री भी उसको मिलेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बेनिफिट अच्छा है इसको, इसका ये मिलेगा कि अगर कोई बच्चा साथ साथ में किसी एजेंसी से, किसी इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ के कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, है ना, या अगर सिक्स के बाद से वो इंटर्नशिप कुछ किया हो, उसमें उसको कुछ अच्छी स्किल हो गई हो, उसके बिना पे कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसका मार्क्स क्रेडिबल हो जाएगा या क्रेडिटेड हो जाएगा, जिसको जोड़ करके उसकी डिग्री ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो अच्छी पहल है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करता हूँ। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसी चीज़ को पीएचडी के साथ भी करना था, जबकि पीएचडी से पहले एमफिल कोर्स को हटा दिया गया, जबकि एमफिल एक अलग चीज़ है, उसको रहने देना चाहिए था। अगर उसको हटाया तो ये अच्छा नहीं है, उसको हटा दिया गया। दूसरी अहम बात यह है कि पीएचडी के साथ भी ये चीज़ को जोड़ना चाहिए था कि अगर कोई पीएचडी में भी बीच में क्विट करता है तो कम से कम उसको एमफिल के इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाए। जैसे है ना कि आपका बैचलर 3 साल का, 1, 2, 3, 4 ईयर से बांटा, तो 1 ईयर जिसने कंप्लीट किया उसको सर्टिफिकेट, 2 ईयर जिसने कंप्लीट किया डिग्री, और 3rd ईयर जिसने किया उसको बैचलर, और 4th ईयर किया तो वो रिसर्च की डिग्री भी उसको साथ मिली। तो अगर इसी तरीके से पीएचडी ऑलरेडी रिसर्च वर्क है, अगर उसके बीच में कोई क्विट कर जाता है तो उसको एमफिल की डिग्री मिलनी चाहिए। अगर एक पैटर्न को लागू कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई दूसरे पैटर्न जो उसी तरह की चीज़ है उसको जोड़ना चाहिए। ये अब मैं एक अहम बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको कि जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव सामने आ रही है इस फिलहाल अभी के नए शिक्षा नीति में, वो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम लोग शुरू से जानते हैं, हमेशा से जान रहे हैं हम लोग कि वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। लेकिन इस ऑटोनोमस का 3 मायने में इस्तेमाल होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पहला मायने होता है, पहले जिस स्टैंडर्ड पर हम बात करते हैं इस चीज़ को, तो समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कि किस चीज़ को कैसे करना है, हाउ दे हैव टू मैनेज रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग किसी भी तरह का हो, कंपटीशन हो, एग्जाम्स हो, सारी चीज़ों को लेकर जो क्रेडिबिलिटी बनेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। तो ये ऑटोनोमस इसका पावर होता है, वो अपने हिसाब से जज करते हैं। दूसरा अहम चीज़ होता है एकेडमिक, तो उसमें क्या होता है कि वो किस तरह के कोर्सेज को चलाएगा, क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे सिलेबस रेडी होगा और किस तरीके से उसको फुलफ़िल किया जाए। जैसे कि आज के डेट में अगर ऑनलाइन क्लास चल रहा है ड्यू टू कोरोना या COVID-19, तो इसमें भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्षेत्रीय स्तर पे वो देख सकती है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे किया जाए। जैसे कि LNMU कह रहे हैं कि आप घर से रह करके, घर में रह करके स्टडी कराएं बच्चों को, हम लोग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए यूनिवर्सिटी का अपना राइट है, जो एकेडमिक राइट है। और तीसरा जो अहम बिंदु है, जो दूसरा तो बहुत ख़ास बिंदु है और तीसरा भी बहुत अहम बिंदु है, वो क्या है कि उसका फी स्ट्रक्चर, कोर्स का फी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर अंतर्गत आती है। उसका एडिंग मतलब जो टीचर पढ़ाएंगे उनकी फ़ीस उनको कहाँ से दी जाएगी, उनको कहाँ से यूनिवर्सिटी ग्रांट करेगी। तो यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट किया जाता है ना, तो उस ग्रांट से उसको बहुत बड़ा एक बल मिलता है जिसकी वजह से वो सारे कोर्सेज को रन कर पाता है। तो यहाँ क्या किया गया है, इसको दूसरे तरह से बांटा गया है, ग्रेड वाइज कर दिया गया है। यहाँ यूनिवर्सिटी को 3 अलग अलग ग्रेड में बांट दिया गया है। पहला ग्रेड जो सबसे सुपीरियर माना गया है, ए ग्रेड माना गया है, द बेस्ट वन, उसके थ्रू आप वो सारे कोर्सेज करेंगे जो रिसर्च से जुड़ा, जैसे PhD शोध कार्यक्रम, BEd के अंदर शोध कार्यक्रम, और बाकी अगर अब तो BA उसमें भी 4th ईयर जो बोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, शोध कार्य से जुड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट लेवल से ही आप बात कीजिए तो पूरा शोध वर्क है। तो जो ए ग्रेडेड है उनको पूरा पावर